मॉर्निंग एवरीवन, 3:15 पे हुई थी आज की मॉर्निंग। थोड़ा सा मेडिटेशन करके, पानी गर्म करके, सारी प्रोसेस करके चलते हैं 3:44 पे अपनी पढ़ाई की तरफ। पांच बजकर 13 मिनट पर लिया अपना पहला ब्रेक। लाइफ में आप अभी किसी भी मोड़ पे खड़े हो, आपने कुछ भी हासिल कर लिया हो या कुछ भी खो दिया हो, अपनी ज़िंदगी को यहीं पे मत रुकने दो। छोटी छोटी चीज़ों में सेटल मत हो। छोटी चीज़ों के साथ खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ हासिल कर लिया है उसके अलावा भी बहुत कुछ है हासिल करने के लिए। अपने एफर्ट्स डालते रहिए, प्रयास करते रहिए। ज़िंदगी में मज़ा तभी आएगा जब आप कुछ ना कुछ नया पाने की कोशिश करते रहेंगे।
डेली मेरे घर में दिवाली की तरह डीप क्लीनिंग होती है जो आंटी की हेल्प से हो रही थी, लेकिन आंटी यहाँ पे तबीयत ख़राब हो चुकी है। आंटी की बुखार था, उनको पहले नहीं बताया उन्होंने, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था कि उनका बुखार है वो काम कर रहे हैं। मैंने उनको भेज दिया, वो चले गए, फिर खुद जिम्मेदारी उठा ली भैया सारा काम करने की। आधा घंटा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये रैक खोलना इसको फिर वापस अरेंज करना बहुत टफ काम है। इस तरह के रैक काम भी बहुत आते हैं, लेकिन वो बहुत बाद में मुश्किलें देते हैं जब उनको वापस निकाल के और जोड़ना होता है। थोड़ा सा जूस वूस बना के रेस्ट लेके बेटे की तैयारी करके ऑनलाइन क्लास की फिर से इस काम पे आए हैं और फाइनली अब जाके ये रैक सेट हुआ है। और फाइनली बेटे का जो ड्रॉर है वो सेट हो गया है सारा। और मैं आपको ना कुछ यहाँ पे टिप देना चाहती हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे फ़ोन देखते हैं फ़ोन देखते हैं, मेरे बेटे को हमने सिर्फ कॉलिंग के लिए ये फ़ोन दिए हुए हैं कि कॉल करने के लिए, बाकी हम कोई भी फ़ोन नहीं देते हैं। और ये डायरी, आप ये सोचते हो कि छोटा बच्चा डायरी का क्या करता है, जैसे मुझे और मेरे हस्बैंड को आदत है कि हम अपनी डायरी मेंटेन करके रखते हैं, इसी तरीके से मेरा बेटा भी इस तरीके की छोटी छोटी डायरियाँ रखता है अपने पास। अभी तक उसको कुछ अच्छे से नहीं पता कि मुझे इसमें क्या इंपॉर्टेंट काम अपने लिखने हैं, लेकिन वो इस तरीके से कुछ भी लिखता है। मतलब एक हैबिट है उसमें अभी से कि हमें डायरी ऐसे मेंटेन करके रखनी चाहिए। और मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मायने रखती हैं। पेन का मेरे हस्बैंड को बहुत है इंटरेस्ट की पेन कलेक्शंस का, लेकिन मेरे बेटे को भी सेम, वो रखता है इस तरह के पेन ना, कुछ भी अच्छा उसको मिल जाता है तो वो पेन रखता है। और जैसे हम लैपटॉप पे काम करते हैं तो उसको लैपटॉप चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कि बच्चे वही ना कि जैसा देखते हैं वैसा वो करते हैं। तो फाइनली मैंने अरेंज कर दिया है। बुक्स का भी बहुत ही चाव है उसको, जैसे बुक रीडिंग का, तो फ़ोन से दूर रखने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। हाँ, फ़ोन बच्चे के पास अगर होना चाहिए, उसको फ़ोन मिलाना आना चाहिए, लेकिन फ़ोन गेमिंग के लिए और वीडियोस के लिए नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हमें पता है हर किसी की पेरेंटिंग बेस्ट होती है, लेकिन वही है जितना मुझे पता है, जैसे उसको ना कैलकुलेटर्स का अभी से पहले बहुत इंटरेस्ट है, जब से उसने एडिशन सीखा था ना, फिंगर्स पे एडिशन सीखा था, लेकिन जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे तो उसको बहुत है कि मतलब कैलकुलेटर हो मेरे पास में, और सेम माउस। और जैसे ही ऑनलाइन क्लास से उसका ब्रेक हुआ ना, वो आगे अपना ड्रॉअर चेक करने के लिए कि कैसे मैंने अरेंज किया है। आज फाइनली मैंने हाफ डे का ऑफ ले लिया है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जॉब अभी कंटिन्यू कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग थे। कभी कभी ना लाइफ में जैसा सोचा होता है ऐसा कभी भी नहीं होता। मैंने सोचा था सारे काम निपटा के कम से कम हाफ डे तो अपना जॉब का करूँगी ताकि नेक्स्ट डे प्रेशर ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मेरा बेटा है वो जब नहाने गया अपने दादू के साथ तो वो एकदम बेहोश हो गया नहाते हुए। मतलब मेरे को बोलते हुए भी ना इतना अजीब लग रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ। गैस गीजर बहुत ख़तरनाक है, जिसके घर में भी है प्लीज़ ध्यान देना, प्लीज़ उसको हटवाई देना। हम लोग हटवा रहे हैं क्योंकि ऐसा इंसिडेंट हुआ है ना, मैं बता भी नहीं सकती। मेरा बेटा थैंक गॉड अभी शाम के 7:26 है, बिल्कुल ठीक है, हस्बैंड भी आ गए हैं, खेल रहा है, लेकिन उस टाइम पे 5 मिनट के लिए मुझे लगा मानो मेरी ज़िंदगी का सब कुछ उजड़ गया हो। जो इमली की चटनी मैं सुबह बनाने वाली थी ना, वो रात के 8 बजे अभी बन रही है। सांभर जो है हाउस हेल्पर बना के चले गए थे, मुझे लगा जब तक राइस बनेंगे तब तक इमली की चटनी भी साथ में बन जाएगी। एक्चुअली बेटे को बहुत पसंद है स्वीट पोटैटो चाट जो इमली की चटनी के साथ में बनता है, लेकिन आज कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ, लेकिन थैंक गॉड सब कुछ ठीक है। और उसके बाद सारा काम ख़त्म करके मैं यहाँ पे आई हूँ पढ़ाई करने के लिए। इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन था कि अपने आसपास में सब ठीक है ना, तो बस सब ठीक है।